Assalamualaikum, welcome to my new vlog. और आज का मिलाग है, आज का का है, है की बर्थडे थी तो साथ इसके चल रहे थे तो इसलिए फिर हम तो लोगों ने बस छोटी सी पेस्ट्री मंगाई है तो बर्थडे करने लगे हैं और उसके बाद जो है आप हाँ, बोलो बोलो तो छोटे से घर में ही हमने बर्गर बनाए थे बर्गर की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है वो आप लोग जाकर देख सकते हैं तो हम इसकी बर्थडे जो है ना वो करेंगे इसकी बर्थडे जो है ना वो इन शह इनशा नेक्स्ट वीक हम अहमद के साथ ही जो है वो सेलिब्रेशन होगी और साथ इसका कुरान भी मुकम्मल हो चुका है तो इनशाशन वो, वो, वो साथ करेंगे तो आ जाते हैं केक की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली तो बात तो मेरी आपसे शुरू में हो चुकी है तो काइंडली वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और मेरे न्यू आने वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम अपने बच्चों के साथ मिलकर मनाते हैं वालदान जो होते हैं और ये छोटी छोटी यादें हैं जो के बाद में मैं देखूँगी तो मैं बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं देखूँगी तो खुश होंगी अल्लाह ताला बस इतनी ज़िंदगी दे दे के बस इन लोगों को सवार कर बना कर इनकी खुशियाँ अल्लाह पाक जो है वो मुझे दिखाए बल्कि सब वाले को उनकी बच्चों की खुशियाँ जो है अल्लाह पाक दिखाए आमीन सुमा आमीन तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ मैकरोनी रेसिपी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है जो हमारे घर में मैक्रोनीज बनती हैं सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं तो मैरिनेटेड चिकन की जो मैक्रोनीज होती हैं वो बहुत मज़े की बनती हैं तो यहाँ ये मैंने मैक्रोनीज ले ली थी बंद गोभी है और उसके बाद गाजरे हैं गाजरें मैंने बरीक बरीक काट ली थी शिमला मिर्च है अब चिकन में लेमन को जो है वो पहले डाल देते हैं पहले इसको इसमें मैंने लेमन हाफ़ लेमन जो है वो मैंने डाल लिया है अब उसके बाद इसमें जाएगा इसमें मसाला ऐड होगा अब इसमें मैं डालने लगी हूँ जी टिक्का मसाला आप, न, आप नेशनल वालों का ले लें कोई भी टिक्का मसाला ले लें मैंने नेशनल वालों का यूज़ किया है तो चिकन के हिसाब से मैंने ये एक चम्मच जो है वो इसमें ये मसाला डाल दिया है क्योंकि बच्चों ने खानी होती है ज़्यादा स्पाइस भी जो है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता तो लेकिन मैक्रोनीज जो है आपकी आउटस्टैंडिंग बनेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे थोड़ा सा मैंने ये इसमें कम मसाला और ऐड कर दिया अब जी इसमें जाएगा वाइट विनीगर ये इसमें मैं डाल दूँगी एक चम्मच तकरीबन मैक्रोनीज जो हैं वो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो डेढ़ चम्मच जो है वो इसमें मैंने विनीगर ऐड कर लिया है तो बात यहाँ पे हो रही थी मैक्रोनीस की विनीगर मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो यहाँ पे अब इसको मैरिनेशन मैरिनेट करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे उतनी देर में हम मैक्रोनीस को बॉईल कर लेंगे अब अदरक लहसन का पेस्ट इसमें डाल दिया तो रेसिपी जब भी आप बनाएँ मुकम्मल देख कर बनाएं, तमाम इन्ग्रीडियंट्स उसके पूरे करके बनाएँ जब आप लवाजमात जो हैं वो खाने पीने के इसमें पूरे कर देते हैं तो फिर उसका ज़ायक़ा जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आप थोड़ा सा नमक इसमें जो है वो ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया अब इसको अच्छे से हिला कर मैरिनेट करके इसको ढक कर रख देंगे और बाद में फिर सभी सब्ज़ियों को जो है वो स्टिर करेंगे बस हल्का सा स्टिर करना है इनको तो मैक्रोन को बॉईल करेंगे ये हाथ से इसको जो है ना चम्मच से अच्छे से मैरिनेट कर लिया है मैरिनेट करके इसको रख देंगे और आप बताएं आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं और सर्दियां वैसे भी जा रही हैं मैं तो सर्दियों को बहुत ज़्यादा मिस करूंगी क्योंकि मुझे सब्जियां सब्जियां कह रही हूँ सब्जियां भी और सर्दियां भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सर्दियों का मुझे बहुत ज़्यादा वेट होता है लेकिन इनका सर्दियों का पीरियड जो है वो बहुत छोटा होता है बहुत छोटा होता है और अब जैसे जैसे सब्जी सर्दियाँ जो हैं वो जा रही हैं जब वॉइस ओवर करने बैठते हैं ना तो मुँह से कुछ ना कुछ जो है वो आपका अजीबोगरीब सा निकलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे ऑयल ले लिया यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है ठीक है उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल तो चूल्हे की और इस तरह न, इधर उधर की जब आप चीज़ें कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं ना तो इस तरह की हालत हो जाती है तो इसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं साथ साथ ये बना रही थी और बाद में जो है वो मैंने इसको सारा क्लीन कर दिया था तो मैं बस काम कर रही थी छोटी बच्ची मेरे साथ जो है वो नूर फातमा वो वीडियो बना रही थी तो बस ऐसे ही उसने बस कैमरा वगैरह घुमा के तो वीडियो शूट किया अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है तो इसमें अब जो चिकन को हमने मैरिनेट किया हुआ था मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसको पका लेंगे अच्छे से पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पर गल जाए और ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं करना जूसी जूसी सा चिकन जो है वो मैक्रोनीस में बहुत अच्छा लगता है और चिकन वैसे भी जो है ड्राई फॉर्म में नहीं अच्छा लगता जूसी जूसी, जूसी चिकन जो होता है ना वो खाने में भी मज़ा आता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं अच्छा लगता है इसको अच्छे से हम लोगों ने पका लेना है और इसके उसको बाद में थोड़ी देर के लिए कवर करके भी रखना है मेरे चैनल पर आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो आपको बर्गर्स की रेसिपी मिल जाएगी आपको पुलाव की रेसिपी मिल जाएगी अब चिकन को जी मैंने निकाल लिया था अब ये सर सब्जियों को Uh, सब्जियों और सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन हो रही है मैं बोल रही हूँ मेरे मुँह से कुछ भी निकल रहा है तो सब्जियों को जो है वो हल्का सा सोते कर लेंगे स्टिर कर लेंगे बस हल्का सा तो फिर उसमें ये चिकन ऐड कर दिया है जो पहले चिकन को मैंने पका लिया था अब चिकन इसमें ऐड कर दिया है तो अब जी मैं क्रोनिस बॉयल होने के लिए रख दी थी वो भी बॉयल हो गई थी तो अब ज़्यादा शूट करो तो फिर ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी बोर तो नहीं ना करना बस आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब मेरे हंड्रेड सब्सक्राइबर हो चुके हैं अब मैं आपको जो है वो अपनी लाइफ लाइफ स्टोरी लाइफ स्टाइल की भी जो है सारी कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ पे मैं मैक्रोनीस जो है वो बॉयल हो गई थी इसको मैंने खुश कर लिया था मैक्रोनीस जो है वो उसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके उसको ऐड करते जाएंगे और साथ इसको हल्का हल्का मिक्स भी करते जाएंगे तो स्पाइस जो है वो बच्चों के लिए बहुत कम रखे हैं चिली सॉस और विनीगर ये वो जो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ले लेंगे तो बच्चे जो है वो इसको केचप के साथ ही खाते हैं चिली सॉस वगैरह वो नहीं यूज़ करते बच्चों को आपको पता है मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं और बच्चों की वजह से स्पाइस व... स्पाइस वैसे भी अच्छा है ज़्यादा स्पाइस वैसे भी अच्छा नहीं होता है खान मैदे की जलन और सीने की जलन का बाइस बनता है तो यहाँ पे जी मज़ेदार मैक्रोनीस जो हैं वो मेरी हो चुकी हैं रेडी और हम इसको प्लेट में डालकर जो है वो खाएंगे और इन्जॉय करेंगे और आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा थैंक्स मेरे मुझे सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा मैं हर वीडियो में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आपके कमेंट्स जो है वो पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि भाई मेरी वीडियो किस किसने वॉच किया है तो काइंडली अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आ, कमेंट भी कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता बल्कि मेरी हौसला अफजाई होती है यहाँ पे जी मैंने ने डाल डाली हैं और, और मैं करूँगी इनको इंजॉय और आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में इन शाह तूर फातमा की आगे आमीन है छोटी सी आमीन नफातमा की तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मेरा आमीन का होगा इन ताला इन ताला तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा